यह वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही स्पेशल है। वो छात्र जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हों, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हों, यूपी बिहार एमपी किसी भी बोर्ड से पढ़ते हों लेकिन हिंदी मीडियम पढ़ते हों, तो उनके लिए ये वीडियो है। और मैं इस वीडियो के अंदर समानता श्रेणी कक्षा 10 से प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 5वें का दूसरा बता रहा हूँ। इसके पहले का सारा सवाल मैं बता चुका हूँ, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप पूरा डिटेल वीडियो पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक स्पेशल जानकारी दिया है, इस वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा, यानी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले 18, 15, 13, -47 में कितने पद हैं, इसका पद निकालना, पद यानी स्मॉल एन का मान निकालना है, स्मॉल एन का मान। तो प्रथम पद ए का वैल्यू कितना हो गया 18, सर्वांतर डी का मान निकालो, डी का मान कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 15.5 में से 18 घटाओगे तो 2.5 बचेगा ना, 15 से 1/2 मतलब होता है 15.5, तो 15.5 में से जब 18 घटाओगे, कम में से ज़्यादा घटाओगे तो माइनस में आएगा, माइनस कितना 2.5 को हम 5/2 लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। और टी एन को लास्ट वाले को हम टी एन लिख देंगे, माना टी एन बराबर -47। अब आपको पता है कि टी एन बराबर सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर सूत्र होता है a+n-1 × d। टी एन के नीचे टी एन की वैल्यू -47 बराबर a के नीचे a का मान 18 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी के नीचे d का मान कितना रहेगा -5/2। समझ में आ रहा ना, अब 18 इधर आएगा -18 हो जाएगा, 18 जब इधर लाओगे -18 हो जाएगा, तो -47 - 18 बराबर n-1 × -5/2। तो ये दोनों जोड़ दो, 8 + 15 हो जाएगा, 4 × 5 = 6, यानी 47 + 10 हो जाएगा कितना 57, 57 + 8 जोड़ देंगे 8 + 15 यानी -65 बराबर n-1 × -5/2। आप चाहो तो ये वाला माइनस काट सकते हो, काट दो, काट दीजिए। अब 5/2 जब इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, अगूढ़े 65 बराबर n-1, 5 से 65 काटेंगे तो 13 + 65 और 13 × 2 = 26, 26 बराबर n-1 हो गया, -1 इधर ला के जोड़ेंगे +1 + 26 बराबर n, तो 26 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा स्मॉल n बराबर कितना गया 27। तो इस श्रेणी में कुल 27 पद हैं, कुल कितने पद हैं 27 पद हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। एक सवाल और मैं अपने पास से आपको बताता हूँ, जैसे कोई श्रेणी है, कोई श्रेणी है मान लीजिए कि 3 है, 6 है, 9 है, लास्ट में 30 दिया है, तो इसमें कितने पद है ये बताना है। तो यहाँ पर प्रथम पद आपको इस्तेमाल ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू अगला में से पिछला घटाओ, 6 में से 3 घटाओ 3 आ गया, टी एन बराबर क्या लिखेंगे सबसे अंतिम वाला 30 लिखेंगे, और चूंकि आपको पता सूत्र टी एन बराबर होता है a+n-1 × d, तो टी एन के नीचे टी एन का वैल्यू 30, ए के नीचे ए का मान 3 है, n-1 × d के नीचे d का वैल्यू 3 है, 3 आएगा इधर घट जाएगा 30 में से 3 घटाओगे 27 बराबर n-1 × 3 आएगा, 27/3 हो जाएगा बराबर n-1, 3 से 27 काट दीजिए आप, 3 से 27 काटेंगे 3 और 27 = 9 बराबर n-1, -1 इधर आएगा जुड़ जाएगा 1 + 9 बराबर n, तो 9 × 10 n बराबर कितना हो गया 10। तो इस श्रेणी में कुल 10 पद हैं, ठीक है ना। ये था मेरे पास से, अपने पास से सवाल आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं कुछ स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ, उसे भी देख लीजिए। थैंक यू। यदि आप इसी तरह से पूरा कोर्स चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, पूरा कोर्स A to Z पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले लीजिए। पेड क्लास में हम आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, वो भी आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर जो भी लिंक हम आपको भेजेंगे वह केवल आप देख पाएंगे, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। यानी पेड क्लास से आप जुड़ते हैं तो सीधे व्हाट्सएप पर आपके वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा, आप वहां से पूरा चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं।
और यदि आप मेरा पेड क्लास लेते हैं तो आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपको हम विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार क्वेश्चन बैंक से पूरा का पूरा बुक आपको पीडीएफ बना करके हम दे देंगे, यानी पूरा का पूरा बुक पीडीएफ बना करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। यानी उस टाइम पर आपको विद्या और अवतार और अनसॉल्व का क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना पड़ेगा, ये भी आपको फ़ायदा होने वाला है। और हर साल के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट होती है, वो लिस्ट भी मेरे पास है। यदि आप मेरा पेड क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसे पढ़ करके आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क ला सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिस्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सूची है, उसे भी हम लोग बना करके रखे हुए हैं। जैसे ही आप पेड क्लास ज्वाइन करोगे, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, वो लिस्ट आपको दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन हर साल आते हैं, उन क्वेश्चन पर भी आपका ध्यान आकर्षित करवा दिया जाएगा कि इन क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। तो पेड क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं। पेड क्लास की फ़ीस कितनी है? मात्र 500 रुपये। 500 रुपये केवल एक बार देना है पूरे साल का, ऐसा नहीं कि हर महीने। पेड क्लास की फ़ीस मात्र 500 रुपये है, जो पूरे साल के लिए है, एग्ज़ाम के दिन तक के लिए है। और दूसरी चीज़, यदि आप यही कोर्स करने के लिए मार्केट में, चौराहे पर, गांव में, शहर में जाओगे, तो आपको 3,000, 3,500, 4,000 तक एक साल का केवल मैथ पढ़ने के लिए देना पड़ सकता है। तो वही चीज़ यदि आप मुझसे पढ़ते हो तो ओनली 500 में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे हम मैथ का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा देंगे, सीक्रेट क्वेश्चन जो आते हैं हर साल एग्जाम में वो भी बता दिए जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। तो इतना सारा मिलेगा आपको इस पेड क्लास में। और एक खासियत और है कि यदि आप पेड क्लास ले लेते हो और उस दौरान पढ़ते समय कोई क्वेश्चन आपका फंस जाता है, जिसे आप नहीं कर पाते हो, तो उसका फ़ोटो खींच करके मुझे वापस मैसेज करोगे, व्हाट्सअप करोगे, तो उसका भी सलूशन आपको मिल जाएगा। यानी प्रश्न पूछने की भी पूरी आज़ादी रहेगी। जैसे आप कोचिंग में टीचर से अपना क्वेश्चन करते हो, वैसे ठीक आप व्हाट्सअप के थ्रू मुझसे अपना क्वेश्चन कर सकते हो और उसका सलूशन पा सकते हो। दूसरी चीज़, यदि आपके मोबाइल से, आपके व्हाट्सअप से डिलीट हो गया वीडियो, तो आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको वही वीडियो दोबारा भेज दूंगा, उसका दोबारा कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है या किसी गलती से डिलीट हो जाता है, तो उसको आप दोबारा पा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और यदि कोई डाउट हो, पैसे के लिए करके आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, मम्मी पापा के ऊपर डिसीजन छोड़ देते हो, और यदि आप चाहें तो आप अपने मम्मी पापा से भी मेरी बात करवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर यही है, इस पर आप मैसेज करके या कॉल करके अपने मम्मी पापा से मेरी बातचीत करवा कर अपना पेड क्लास ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो आपको भेजा जाएगा वह वीडियो केवल आप ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। ये वीडियो प्राइवेट वीडियो होती हैं और ब्लॉक करके रखी जाती हैं। जो स्टूडेंट फीस पे करता है केवल उसी के पास इस वीडियो का लिंक शेयर किया जाता है, भेजा जाता है। तो इस नाते इस चिंता में बिल्कुल मत रहिएगा कि वो चीज़ हम तो यूट्यूब पर भी फ्री में देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जब तक मेरे द्वारा आपको नहीं मिलेगा तब तक आप सर्च करके वो चीज़ नहीं पा सकते हैं। भाई अगर सर्च करके कोई देख सकता है तो फिर हम फीस किस बात का ले पाएंगे, सब कोई फ्री में ही देख लेगा। इस नाते जो लीगल चीज़ें हैं, जिसमें ओरिजिनलिटी है, जो काफ़ी मेहनत से तैयार की गई हैं, उस चीज़ का फीस लगता है, और जो बंदा फीस देता है वो उसको प्राप्त करता है। रही बात पेड क्लास की फ़ीस कैसे जमा करना, पेड क्लास की फ़ीस जमा करना बहुत ही आसान है। यदि आप पेटीएम चलाते हैं, कोई भी यूपीआई चलाते हैं, आप स्वयं भेजना जानते होंगे, भेज सकते हैं। लेकिन आप यदि कुछ नहीं चलाते हैं, आपके पास कोई एटीएम पेटीएम कुछ नहीं है, तो भी आपके लिए फ़ीस जमा करना बहुत ही आसान है। मैं बता दे रहा हूँ 2-3 तरीका, उन तरीक़ों में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। पहला तरीका, आप किसी भी साइबर कैफ़े वाले की दुकान पर जाएँ, उनसे बोलें कि भैया इस अकाउंट में आप 500 पे कर दो, बस
मेरे पास, आप कॉल कर दीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, या रेलवे का जो लोग टिकट निकालते होंगे उनसे भी भिजवा सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनसे भी भिजवा सकते हैं, जो लोग मोबाइल की दुकान वगैरह करते हैं वो लोग भी कभी कभी ऐसा काम करते हैं, भेजते हैं पैसा ऐसा, उनसे भी आप भिजवा सकते हैं। किसी से भी पैसा भिजवा करके मुझे आप सीधे कॉल कर दीजिए, या कोई रिसीविंग यदि मिलती है तो उसका फ़ोटो खींच कर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। तो ये इतना आसान स्टेप है, आप किसी भी मार्केट से चौराहे से, छोटा चौराहा हो या बड़ा चौराहा, हर जगह इंटरनेट वाले हैं, हर जगह फॉर्म भरने वाले हैं, हर जगह सहज जन सेवा केंद्र वाले हैं, तो सहज जन सेवा केंद्र से भी आप पैसा ट्रांसफ़र करवा के मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपका एडमिशन कर लूँगा, रजिस्टर मेंटेन कर लूँगा, उसके बाद आपकी पढ़ाई